प्रिय लोगों, परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। वापिस आपसे मिलकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने फैमिलीज हैं, आपको स्मरण करते ही मुझे बहुत आनंद मिलता है। आपको स्मरण करके मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में परमेश्वर हमारे लिए काफी है, भला है। इस दिन हर दिन पवित्र आत्मा के साथ रामक एक छोटे से संदेश को आप पा रहे हो। वो भविष्यवाणी का एक वचन है, आप अच्छी तरह जानते हो। उसे पकड़ो और प्रार्थना करो। अनगिनत लोग जो छुए जा रहे हैं, बल पा रहे हैं। और आज का वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और 19वां वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। परमेश्वर के लोगों, एक मन होकर जो प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, उसमें विशेष रूप से परमेश्वर कहता है, दो लोग, दो जन किसी भी चीज के लिए अगर वे प्रार्थना में मांगे। साधारण रूप से दो जन का मतलब है शायद पति और पत्नी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों को एक मन होकर प्रार्थना करना है ना। इसलिए परमेश्वर के नाम के द्वारा परमेश्वर की आत्मा यहां बात करता है, एक मन होकर किसी भी बात के लिए अगर मांगे, वचन कहता है कि स्वर्ग में जो पिता है वह आपके लिए जरूर करेगा। आमेन। तो आपकी प्रार्थना का उत्तर कहां पर है? एक मन में है। वही शैतान होना नहीं चाहता। प्रार्थना करने के लिए जा रहा है, तुम प्रार्थना करो, मैं अभी आ जाता हूँ। प्रार्थना करने के लिए बुलाएं तो नहीं, एक फोन कॉल अटेंड करना है। प्रार्थना करने के लिए आओगे, नहीं, एक मीटिंग में हूं। यह शैतान का एक नाटक है। आमेन। आपको बहुत ही ध्यान से प्रार्थना में एक मन होकर आप करिए, एक निर्णय ले लीजिए। परमेश्वर के लोगों, मैं कहता हूं, दैविक आशीषें आपको ढूंढ कर आएंगी। आपके एक मन को ठुकराने वाला शैतान, वो किसी भी रीति से आ सकता है। फोन कॉल में आ सकता है, मीटिंग के रूप में आ सकता है, फ्रेंड्स के रूप में आ सकता है, रिश्तेदारों के रूप में आ सकता है, या विश्वासियों के रूप में भी आ सकता है। उसकी सोच यह है कि आप एक मन में ना रहें। आमेन। एक मन की आत्मा को बिगाड़ने वाले शैतान को यीशु मसीह के नाम से भगाइए। आज आपके घर में एक मन आने वाला है। प्रार्थना करते हैं, हमारे पवित्र पिता, आकाश और पृथ्वी पर सभी अधिकार पाए हुए परमेश्वर यीशु के नाम से, हे प्रभु, मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के 19वें वचन के अनुसार एक मन की आत्मा के साथ प्रार्थना हम घरों में करें, घरों में बढ़ोतरी हो यीशु मसीह के नाम से। जो एक मन होकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, सभी प्रकार की रुकावटें कारण परमेश्वर से ढूंढ कर आज हमें बता रहा है, वो सब चीजें हम भूल कर इस साल के आखिरी महीने में, आखिरी कुछ दिनों में, इस साल के आखिरी कुछ दिनों में अच्छी तरह से प्रार्थना करके नए साल में नए अनुग्रहों को पाने के लिए तो हमारी सहायता कर। कभी न बदलने वाला अनुग्रह सगा लगातार इन्हें पकड़ा रहे। यीशु मसीह के भले नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो। इन वचनों को लगातार आप सोच सोच कर प्रार्थना कीजिए, इन्हें पढ़िए। परमेश्वर आपसे बात करेगा, जरूर बात करेगा। आमेन। अपने दोस्तों को जरूर इसे शेयर करें। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक इस सुबह के ध्यान को उन्हें बताइए, उनको परिचय दिलाएं। परमेश्वर का हाथ और परमेश्वर अपने विशेष आंखों को तुम्हारे ऊपर रखकर आपको आलोचना देगा, ठीक है? परमेश्वर के नाम से आपको बधाई। इसी के साथ साथ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, जीसस मिट्स मिनिस्ट्री के लिए जरूर प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299549663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।